देश के जाने माने बिजनेसमैन नुस्ली वाडिया पर साल 1989 में कथित तौर पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी। 35 साल बाद इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल 31 जुलाई 1989 को कथित तौर पर बिजनेस राइवलरी के कारण वाडिया को मारने की साजिश रचने के लिए FIR दर्ज करवाई गई थी। हालांकि मामले का ट्रायल 2003 से शुरू हुआ। नुस्ली वाडिया अभी करीब 79 साल के हैं और वाडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं। वाडिया ग्रुप FMCG, टेक्सटाइल्स और रियल एस्टेट समेत कई कारोबार में है। बता दें कि गो एयर से लेकर ब्रिटानिया और बॉम्बे डाइंग तक के मालिक नुस्ली वाडिया को कारोबार विरासत में मिला। वाडिया ग्रुप की नींव साल 1736 में रखी गई थी। वहीं नुस्ली वाडिया ने कारोबार में कदम रखा 1970 के दशक में। इसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब नुस्ली के पिता नेविल वाडिया बॉम्बे डाइंग कंपनी को बेचना चाहते थे और भारत छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन नुस्ली वाडिया ने इसका सख्त विरोध किया और भारत में रहते हुए बॉम्बे डाइंग कंपनी को चलाने की जिद पर अड़ गए। इस तरह वाडिया ग्रुप भारत में बना रहा। गौरतलब है कि चेयरमैन के तौर पर वाडिया ग्रुप का कारोबार संभाल रहे नुस्ली वाडिया का पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से भी गहरा कनेक्शन है। नुस्ली की माँ दीना वाडिया मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी थी। नुस्ली वाडिया के दादा सरनस वाडिया एक जाने माने कपड़ा उद्योगपति थे। उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में बम्बई शहर को दुनिया के सबसे बड़े कॉटन ट्रेडिंग सेंटर्स में से एक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाडिया फैमिली देश के सबसे पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है। ये देश में बिस्किट से लेकर कपड़ों के कारोबार तक में दखल रखती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।